नमस्कार, मैं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मांडू उत्सव की पूरी तैयारी, 13-14 फरवरी को होगा मांडू उत्सव। घोसला में सरपंच पुत्र की मनमानी, ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डकैती करने वाले 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। सुवासरा में लव जिहाद का मामला, 1 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। धार जिले के मांडू में 13 और 14 फरवरी को मांडू उत्सव का आगाज होने जाना है। मांडू उत्सव का आयोजन पर्यटन और संस्कृति विभाग मिलकर करवा रहा है। मांडू उत्सव के आयोजन को लेकर भोपाल के मिंटो हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिन शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि उत्सव में कोरोना को लेकर सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। कहना है कि मांडू फेस्टिवल अपने आप में एक फेस्टिवल जरूर हम कर रहे हैं, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि मांडू केवल 3 दिन के लिए ही खुला हुआ है। इसके माध्यम से हम पूरे देश में यह संदेश देना चाहते हैं कि मांडू आइए, और ये कभी भी आइए, किसी भी सीजन में आइए, और वहां पर पर्यटन की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, हेरिटेज की दृष्टि से वहां पर जो चीजें हैं उन्हें देखिए। इसी कड़ी में हम आज आपको थोड़ा ये बता दें कि एक सप्ताह बाद उसके 20 तारीख से लेकर 26 तारीख फरवरी के बीच में खजुराहो डांस फेस्टिवल, जो हमारे यहाँ प्रतिवर्ष होता आ रहा है और ये 47वां संस्करण होगा, उसका भी शुभारंभ होगा 20 फरवरी को, और वो 6 दिन लगातार चलेगा। हर बार होता आया है, इस बार भी होगा, परंतु इस बार खास बात क्या है, ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। एक तो ये पोस्ट कोविड सिचुएशन में होगा। नंबर 2, इस बार सिर्फ डांस फेस्टिवल नहीं होगा, डांस के साथ साथ हमने पर्यटन और हेरिटेज और नेचर, इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज को साथ में कंबाइन किया है, और यह प्रयास किया है कि पर्यटन और संस्कृति ये दोनों साथ साथ चलें। संस्कृति भी हेरिटेज का हिस्सा है, हेरिटेज तो हमारे पास है ही है आर्कियोलॉजिकली, बट संस्कृति भी हमारी बहुत समृद्ध है और संस्कृति डिपार्टमेंट भी बहुत एक्टिव है। तो चूंकि ये एक ऐसा सहयोग है कि हमारी माननीय मंत्री जी भी पर्यटन और संस्कृति दोनों विभाग की मंत्री हैं, मैं भी दोनों विभाग का प्रमुख सचिव हूं, तो हमारा यह प्रयास है कि हम हर जगह पर्यटन और संस्कृति को साथ में रखें, और संस्कृति को भी पर्यटन का एक मुख्य आधार भविष्य के लिए हम प्रोजेक्ट करें। उज्जैन जिले के ग्राम पंचायत घोसला की महिला सरपंच और उसके पुत्र के द्वारा पिछले दिनों उप सरपंच और पंचों के फर्जी हस्ताक्षर कर ठहराव प्रस्ताव पारित कर पशु हाट बाजार के लिए पूर्व में 10 वर्ष के अनुबंध को समयावधि के पूर्व ही षड्यंत्र पूर्वक निरस्त कर हाट बाजार के लिए नवीन भूमि का अनुबंध किया गया था, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते उपसरपंच हेमूबाई पंच, सुशीला बाई व ज्योति शुक्ला के ग्रामवासियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर फर्जी हस्ताक्षर किए गए ठहराव प्रस्ताव और नवीन अनुबंध को यहां पर उन्होंने निरस्त करने की मांग की है। आपको 5 साल में कोई मीटिंग में बुलाया? 2-3 चक्कर बुलाया, फिर बाद में कोई नहीं बुलाया। आप उप सरपंच? हाँ। ये जो हार्ट वाला मैटर हुआ, इसमें नहीं बुलाया। आपने कोई कागज पर हस्ताक्षर किया? नहीं कराया, और हमको साइन भी नहीं लेते हैं सर। चाहिए इनकी मर्जी से सब? हाँ, नहीं कराया मैंने, खाली 3 चक्कर मीटिंग में गया हम, 5 साल में बस 3 मीटिंग में बुलाया था हमको। तो कभी भी आपको नहीं? हाँ, हमको पता भी नहीं है कि आठ कैसे गए कैसे आए, हमको कोई पता नहीं। आपका नाम बताओ? हेमू भाई। आपको पंचायत में कभी बुलाया जाता है कोई मीटिंग में? हमें अभी तक पंचायत में नहीं बुलाया गया है, और हमारे यहाँ समिति से ये सब काम वो कर लेता है, हाट वगैरह। हाट का जब मैडम वगैरह जब आपको बुलाया था क्या? हमको नहीं बुलाया था। आपको इसका नॉलेज है थोड़ा बहुत भी, कि आपको बुलाया कि आपकी सहमति के बाद? ये हमारे यहाँ समिति से हाट यहाँ से हटा लिया है। हटा लिया? आपको नहीं बुलाया था? नहीं बुलाया, किसी पंच को भी नहीं बुलाया उसने, किसी भी पंच को नहीं बुलाया। 5 साल में कभी भी नहीं बुलाया आपको कोई मीटिंग? नहीं, वो मीटिंग करता ही नहीं है। आपने घर पे कार्यक्रम? इंदौर में एरोड्रम थाना क्षेत्र के हाईलिंक सिटी में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डकैती करने वाले गिरोह का मुख्य सरगना फरियादी का सगा भतीजा ही निकला, जिसमें धार टांडा के सदस्यों के साथ मिलकर
डकैती को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया सारा माल बरामद कर लिया है। सर बताएं सर, 30 और 31 जनवरी की दरमियानी रात को एरोड्रम क्षेत्र में सीए हैं मिस्टर अजीत चोपड़ा, उनके घर में डकैती की वारदात हुई थी और नकदी और सोना चांदी के जेवरात बदमाश लेके गए थे और ये सनसनीखेज वारदात थी। इंदौर पुलिस के ऑफिसर्स के लिए ये एक चैलेंज था। इसका बहुत ही अच्छा डिटेक्शन हमारे एसपी वेस्ट, एडिशनल एसपी क्राइम, एडिशनल एसपी जोन इन्होंने किया है और साथ में इनकी टीम के ऑफिसर्स ने, और 5 अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 5 ने अपना अपराध स्वीकार किया है। अभी इस घटना के साथ जो चोपड़ा जी के घर के बगल में भी एक आवास था उसमें भी वारदात हुई थी और उस वारदात में करीब कुछ लोग निकलते हुए दिख रहे थे, तो ये पूछताछ के क्रम में जो अभी प्रारंभिक पूछताछ आरोपियों से हुई है उसमें उन्होंने उनके बारे में भी बताया है। वो अनुसंधान अभी उसमें चल रहा है और हमें विश्वास है कि उनको भी हम राउंड अप करेंगे। ये एक बड़ा गैंग है, 2 फोर व्हीलर इसमें इन्वॉल्व थे। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग देम। इनसे अन्य वारदातें जो इंदौर नगर में हुई हैं या दीगर ज़िलों में हुई हैं उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। मुझे इनके जो इन्फॉर्मेशन इनसे ली है उसके आधार पर अन्य वारदातों का भी खुलासा किया जाएगा। सर दोनों अलग अलग गैंग थी? नहीं, एक सेम गैंग है, वो साथ ही आए थे और ये इस आवास में गए थे, वे दूसरे आवास में गए थे। ग्वालियर में मेला प्राधिकरण की कमेटी बनाने पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी मेले को शासन शुरू करेगा, जब कमेटी होगी उसका राजनीतिक डिसीजन मुख्यमंत्री को लेना होगा। साथ ही 117 साल पुराने ऐतिहासिक मेले के विकास कार्यों के विषय में कहा कि हमारा उद्देश्य एक मेला लगाने का नहीं है, हम कम से कम 4 से 6 मेले अलग अलग समय पर हर क्वार्टर में लगाएंगे। नहीं, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेले की घोषणा करी है तो उसका सब व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो, वो क्या क्या 15 तारीख तक तैयारी करने के लिए किन किन कामों की ज़रूरत है उनकी आज व्यवस्था देखने आए हैं। वहीं मेला प्राधिकरण क्या इस बार कमेटी बन पाएगी या इस बार भी शासन ही चलाएगा मेले को? देखिए, अभी तो शासन शुरुआत करेगा, जब कमेटी होगी उसका राजनीतिक डिसीजन मुख्यमंत्री को लेना है वो लेंगे। वहीं मेला लगभग 117 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, ऐतिहासिक मेला है, लेकिन विकास के नाम पर एकमात्र फैसिलिटी सेंटर के अलावा कोई भी निर्माण कार्य मेले के अंदर नहीं हुआ है, दुकानें वही पुरानी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 2 बातें हैं। अगर आप उस दिन वहाँ कार्यक्रम में रहे हों तो आपने सुना होगा कि हमारे एक मेला साल में लगाने का उद्देश्य नहीं है, हम कम से कम 4 से 6 मेले अलग अलग समय पे हर क्वार्टर में लगाएंगे और उस ज़मीन का, उस एरिया का और ग्वालियर के वर्कर्स और व्यापारियों को पूरा मौका मिले, ऐसा हमारा सोच है। तो हमने एक और घोषणा टाइप करी है कि हम एक उत्सव को महोत्सव नवरात्रि से दिवाली को मनाएंगे, उसके लिए अलग से प्रयास कर रहे हैं, समय धीरे धीरे और कई काम होंगे। निर्माण कार्यों का क्या प्लान है, क्योंकि अब ये तो अभी शुरू हुआ है, काम शुरू होते ही पहले दिन बच्चा जवान नहीं होता है। दूसरी बात, उद्योग को लेकर क्या आगे, ग्वालियर में जो उद्योग खत्म हो रहे हैं इसको लेकर उस पर भी काफ़ी लंबी चर्चा हुई है और कई उद्योगों से बात चल रही है। अभी मैं बेंगलोर भी गया था, वहाँ से भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों से बात हुई है, कुछ यहाँ के लोगों को भी उत्साह है, तो अभी हम कुछ नई योजनाएं दे रहे हैं। सर,
मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के अंतर्गत मंदसौर जिले के थाना सुवासरा की प्रभारी कार्यवाही में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक आरोपी अभी भी मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बता दें, सुवासरा क्षेत्र में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 का ये पहला मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी दो नाबालिग बालिकाओं के साथ नाम बदलकर, उन्हें झांसा देकर, झूठ बोलकर शादी करने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उचित कार्यवाही कर आरोपियों पर शिकंजा कस नाबालिग लड़कियों को बचा लिया है। ये मामला सुवासरा का है। यहाँ पर दिनांक 2 फरवरी के दिन थाने पर सूचना आई थी कि दो लड़कियाँ एक साथ घर से गई थी और वो शाम को घर नहीं लौटी, जिसका प्रकरण थाने पर दर्ज किया गया था। दोनों लड़कियों का, दोनों लड़की नाबालिग थी और प्रकरण दर्ज 363 धारा के अंतर्गत दर्ज करके तत्काल पुलिस टीम, उपनिरीक्षक रितेश डामोर और ASI हेमंत शर्मा और आरक्षकों की टीम तत्काल उसकी मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर भेजी गई थी, जिसके आधार पर टीम दिल्ली पहुंची थी। वहां पर उन लड़कियों के फ़ोन बंद हो गए थे। जो आगे इन्फॉर्मेशन अन्य जानकारियां साइबर सेल से और अन्य माध्यम से लेते हुए टीम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले पहुंची थी, जहां पर चांदपुर तहसील है। वहां पर दोनों लड़कियों को इरफान पिता छोटे खां के घर से दस्तियाब किया गया और उनके कथन लेकर कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टया क्या मामला लग रहा है, पूरा मामला क्या है? प्रथम दृष्टया तो मामला जो है, जो अभी तक लड़कियों के कथनों से और अभी तक की जांच से ये मामला आया है कि दोनों लड़कों द्वारा, अपने दोनों लड़के जिन्होंने घटना कारित की है, उसमें एक शाहिल पिता अली हसन है और दूसरा इरफान पिता छोटे का है। दोनों ही चांदपुर तहसील के हैं, बिजनौर जिला है और यूपी के हैं। इन दोनों ने अपने नाम बदलकर, विकास एवं आकाश बताकर, दोनों लड़कियों से फ़ोन पर बातचीत कर उनको शादी के लिए बोलकर बुलवाया था। वहां पर दोनों ने अपने धर्म की बात छुपाकर वहां पर बुलवाया था और बुलाकर इनके साथ में गलत काम किया है और इसमें आगे जाँच की जा रही है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।